सो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें जून कजामा के ऐसे टॉप सीक्रेट्स के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही शॉकिंग और अनसॉल्व्ड है, और मैं भी हमें इसके बारे में टेकनेट में पता चले। तो फिर चलो शुरू करते हैं, वीडियो को काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को अभी से ही लाइक कर दो एंड अब इसी के साथ लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला जून का सीक्रेट है, जिसका आंसर मुझे भी नहीं पता, कि टेकन 3 के इवेंट में जब ओगर ने जून पर अटैक किया था तो जून ने जिन को ऐसा क्यों कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम सीधे अपने ग्रैंडफादर हियाची मिशिमा से मिलना। थोड़ी अजीब बात है ना, क्योंकि टेकन 2 में तो काजुया की डेथ के बाद जून प्रेग्नेंट हो गई थी, और हियाची काजुया में वॉर को देख जून समझ गई थी कि मिशिमा फैमिली बहुत ही खतरनाक है, इसलिए जून अपने बच्चे को इन सब से दूर रखने के लिए या उसे बचाने के लिए जून सिटी छोड़कर याकुशिमा के फॉरेस्ट में शिफ्ट हो जाती है। और जब ओगर अटैक करता है तो जून जिन को वहीं जाने के लिए कहती है जहाँ से वो भाग के आई थी। सो ऐसा क्यों किया जून ने? वो जिन को ना जाने के लिए बोलती तो ना जिन को अपनी मिशिमा फैमिली के बारे में पता चलता और ना ही इतनी बड़ी राइवलरी स्टार्ट होती। सो जून ने ऐसा क्यों किया, वी डोंट नो, बट शायद इसका आंसर हमें टेकनेट में मिले। इसके बाद अगला सीक्रेट है जून की स्पेशल पावर्स। सो जब टेकनेट रिवील नहीं हुआ था, बट तब भी हमने जून की एंडिंग्स में ये कई बार देखा था कि जून के पास कुछ स्पेशल पावर्स है, खासकर एनिमल्स को लेकर। बट अब टेकनेट में ये बात कंफर्म हो चुकी है कि जून के पास एक मिस्टीरियस पावर है, जिससे वो किसी भी एनिमल से कम्युनिकेट कर सकती है, मतलब कि उनसे बातचीत कर सकती है। इसलिए हमने इस एंडिंग में भी देखा था कि कैसे जून के पास सभी एनिमल्स इवन बर्ड्स भी आने लगते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स जून को ये एनिमल्स जानते होंगे, उससे बात करते होंगे, क्योंकि जून एक फॉरेस्ट ऑफिसर भी थी। बट जून के पास ये पावर कहाँ से आई, क्योंकि वो तो एक नॉर्मल ह्यूमन है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। इसके अलावा जून अब टेकनेट में एनिमल्स की स्पिरिट्स को भी समन कर सकती है, जिसे सबसे पहले हमने टेकन टैग टूर्नामेंट 2 की जून की एंडिंग में देखा था। फिर इसके बाद एक और स्पेशल पावर है जून के पास डेविल को सप्रेस करने या न्यूट्रलाइज करने की, क्योंकि ये भी हमने कई बार भले ही नॉन कैनन बट एंडिंग्स में देखा है कि जून के पास डेविल को सप्रेस करने की पावर्स हैं। इवन ये पावर जून में ही नहीं बल्कि कजामा ब्लडलाइन के सभी मेंबर्स के पास है, जैसे कि आस्का, जिसे इस पावर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। बट मे भी जून को इस पावर के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए वो जिन के डेविल को सप्रेस कर देती थी। बट ये पावर कहाँ से आई, कैसे मिली, इसका प्रॉपर यूज क्या है, ये अभी तक अननोन है। बट हाँ, इस पावर से ये बात साफ हो जाती है कि अगर डेविल्स को कोई रोक सकता है तो वो जरूर कजामा ब्लडलाइन से होगा, जो कि सीधे जिन की तरफ पॉइंट करता है, क्योंकि भले ही जिन के पास डेविल्स पावर है बट वो भी तो कजामा ब्लडलाइन का मेंबर है ना, इसलिए जिन ही एक ऐसा पर्सन है जो खुद को भी और काजुया को भी रोक सकता है। इसके बाद चलो बात करते हैं अननोन के बारे में। तो इस पर मैंने कई सारी थ्योरीज बताई है कि जून ही अननोन हो सकती है, क्योंकि इसके काफी सारे प्रूफ हमें मिल चुके हैं, जैसे कि टेकन टैग टूर्नामेंट 1 में जून का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था, जिसमें पहले तो अननोन को जून की सिस्टर बनाने का प्लान रखा गया था, जिसका नाम हिटोमी होने वाला था, बट फिर बाद में इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। और रही बात एंडिंग्स की, तो सबसे पहले टेकन टैग टूर्नामेंट 1 में जब ओगर जिन को एब्जॉर्ब करने वाला था तब भी अननोन जिन को बचाती है, बट वाई, दोनों का तो कुछ भी कनेक्शन नहीं है, तो अननोन जिन को क्यों बचा रही है। फिर इसके बाद टेकन टैग टूर्नामेंट 2 में हम फाइनल स्टेज के फर्स्ट राउंड में जून से फाइट करते हैं, और उसे डिफीट करने के बाद सेकंड राउंड में अननोन से फाइट करते हैं। सो जून को अननोन में ट्रांसफॉर्म होते हुए तो नहीं दिखाया जाता, बट ये कुछ ऐसा है जैसे हम ओगर या ट्रूगर से फाइट करते हैं, क्योंकि दोनों तो एक ही हैं, तो सेम ऐसे ही जून और अननोन है। बट इसके अलावा अगर सब कुछ इग्नोर करके देखा जाए तो हमें पता है कि टेकन की टैग सीरीज से नॉन कैनन होती है, इसमें जो कुछ भी हुआ है या दिखाया जाता है वो टेकन की रियल कैनन स्टोरी से कनेक्टेड नहीं है। इसलिए जून अननोन एक ही हो या अननोन जून की सिस्टर हो या काजुया अच्छा हो, किसी भी चीज का इसमें सेंस नहीं है, आई अग्री। बट जब हमने टेकनेट में जून का गेम प्ले ट्रेलर देखा तो उसमें जून के पास थोड़ी बहुत मूव्स अननोन के थे, तो उसका क्या? सो इसलिए इस बात से इस चीज की थोड़ी बहुत कंफर्मेशन मिल जाती है कि अननोन का जून से कुछ ना कुछ तो कनेक्शन जरूर है, या हो सकता है अननोन ही जून का सेकंड फॉर्म हो, जैसे कि काजुया और जिन के पास है, और इसके बारे में भी हमें डिटेल में टेकनेट में पता चले। इसके बाद जून का सबसे बड़ा सीक्रेट है जून की मास्टर प्लानिंग। सो टेकन 3 में जब ओगर ने जून पर अटैक किया था तो जून अपने सन जिन को बचाने के लिए खुद का सेक्रीफाइस कर ओगर को भी मार देती है, और जिन ये सोच वहां से चला जाता है कि ओगर ने उसकी मदर को मार दिया है। और टेकन 3 के ओपनिंग में ये सीन देखकर कंफर्म हो चुका था कि ये सर जून का ही है जिसे ओगर ने मार दिया था, बट फिर टेकन के डायरेक्टर हरर ने ये कंफर्म किया कि ये जून का सर नहीं है और ना ही वो मरी है,
वो बस मिसिंग है। अब ये जाने के बाद फैंस के मन में और भी क्वेश्चंस आने लगे कि अगर ये जून नहीं है, वो मरी नहीं है, अभी भी जिंदा है, तो वो इतने टाइम तक कहाँ थी? क्योंकि अगर वो बच गई थी तो उसे अपने सन जिन के पास आना चाहिए था, तो उसने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों वो बचने के बाद भी सबसे छुप कर रही? ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। बट इस पर एक थ्योरी भी है जो थोड़ी पॉपुलर हो रही है, तो इसके बारे में बता देता हूँ। तो टेकन के ट्रेलर में तुम सभी ने जून का आउटफिट देखा ही होगा, सो इसको लेकर एक थ्योरी बताई जा रही है कि जून का कॉस्ट्यूम काफी हद तक क्लाउडिया के कॉस्ट्यूम से मैच करता है। इसमें जो डिजाइन है वो क्लाउडिया के कॉस्ट्यूम में भी देखने को मिलता है, इसलिए ऐसा हो सकता है इतने टाइम तक जून क्लाउडिया के साथ मिल उसके आर्चर ऑफ सीरियस ग्रुप में डेविल को रोकने का या खत्म करने का प्लान बना रही हो, ताकि वो जिन और काजिया को डेविल से फ्री कर सके। और जून टेकनेट में सामने इसलिए आई क्योंकि ये परफेक्ट टाइम था जिनको मोटिवेट करने का, उसकी पावर्स को बूस्ट करने का और काजिया को रोकने का, क्योंकि अब काजिया वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर रहा है। सो ये बस एक थ्योरी है, बट जितने भी मैंने जून के सीक्रेट्स के बारे में बताया उससे ये बात साफ हो जाती है कि जून को सब कुछ पता था। वो जिन, काजिया और हियाची तीनों पर नजर रखे हुए थी और एक प्लान को एग्जीक्यूट करने में लगी थी। सो देखेंगे टेकनेट में वो क्या प्लान है, क्या रीजन है टेकनेट में जिससे जून सबसे छुप कर रही। बाकी तुम्हें क्या लगता है जून के इन सीक्रेट्स के बारे में, मुझे बताना कमेंट्स में। और जाते हुए इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। और मिलूंगा मैं तुम लोगों से अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।